ठीक है, लेकिन आज ब्रिस्बेन में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। यह ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने इस मैच को जीत लिया है। जहां पर यह लग रहा था कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के ज्यादा चांसेस थे, फिर यह था कि भारत ड्रॉ के लिए खेलेगा, लेकिन ये यंग इंडिया, ये न्यू इंडिया ने ड्रॉ और हार को तो सबसे पहले खत्म किया। ऐतिहासिक जीत भारत की, और इसके साथ भारत ने न सिर्फ गाबा टेस्ट मैच जीता है बल्कि इस सीरीज को 2-1 से जीता है। कमाल की जीत ये रही है, न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिना मेन खिलाड़ियों के जो चोटिल होती रहे, भारत ने इस सीरीज में हरा दिया। 328 रन का टारगेट था। ब्रिस्बेन में 1951 में आखिरी मरतबा किसी टीम ने 225 रन बनाए थे मैच जीतने के लिए। भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतिहास ही नया रच दिया। पहले सिडनी में उन्होंने 136 रन खेलकर मैच बचाया। आज ये देखिए ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इन्होंने जो बल्लेबाजी की है पुजारा के साथ, the Indian players will be on the field. जीत बल्कि what a result this is. ये भी साफ हो गया कि आने वाला दशक इन युवा खिलाड़ियों के साथ भारत आगे बढ़ेगा। ऋषभ पंत भारत के हीरो, विकेट गिरती रही लेकिन ऋषभ पंत ने कहा मैं तो आज बता ही दूंगा क्यों मुझे एक्स फैक्टर कहा जाता था। शायद ये टीम मैनेजमेंट को भी जवाब है, वो टीम मैनेजमेंट जिसने आज ऋषभ पंत को मजबूरी में खिलाया, लेकिन 3 साल से उनको कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने यह बता दिया है कि विश्वास की कमी नहीं है। शुभमन गिल की भी बात करें, जिस तरह शुभमन गिल ने आज 91 रन बनाए, रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए, अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मयंक अग्रवाल आउट हो गए, लेकिन पुजारा और उनके साथ शुभमन गिल, ऋषभ पंत भारत की इस जीत की चौथी पारी के बड़े ही। 3 विकेट से भारत की जीत हुई है जी, बड़ी जीत। 2-1 से बोरा गावस्कर ट्रॉफी भी भारत के नाम। 328 रन ब्रिस्बेन में किसी ने बनाए नहीं थे आज तक चौथी पारी में जीतने के लिए, लेकिन आज भारत ने वो भी किया। हर मैच में ये टीम बदलती रही, ये वही टीम है जो 36 ऑल आउट हुई थी, बड़े सवाल इनसे पूछे गए थे, मीम्स भी बनी थी, लेकिन आज देखिए इन तस्वीरों को, इन चेहरों को, शायद इस दौरे से पहले इन तस्वीरों को, इन चेहरों को आप लोग अच्छी तरह नहीं जानते थे। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, रहाणे कप्तान है, पुजारा है, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, कमाल की जीत आज। तो इस जीत का जश्न मनाने के लिए आज तक के स्टूडियो में ना सिर्फ मैं हूं बल्कि मेरे साथ दो बड़े मेहमान हैं, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हरभजन सिंह और मदन लाल भी रहेंगे। ये देखिए वो पल, वो मोमेंट जहां भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता। What a surprise is that? We are wondering about one or two. It's a four. Rishabh Pant has done it. The Indian players will be on the field. What a result this is. Who would have thought this morning? One or a boundary. But one down the leg side. They're going to bowl wide down the leg side. It's not going to be easy. Oh, they bowl on the Kamal offside. Kamal ki jeet hai aur main shuru karta hoon apne expert se. Harbhajan Singh ji, Bajju Pa, bataiye. Aap to ऐसी ऐसी जीत का हिस्सा रहे, लेकिन इस तरह की जीत शायद आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि वाकई जीत हो जाएगी। हम सब कह रहे थे यार जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, अंदर से पता था यार 328 रन बनते नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है विक्रांत भाई, क्योंकि मैं क्योंकि क्रिकेट काफी खेला हूं और मुझे पता है कि बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप खुद बिलीव करोगे तो ही चीजें हो सकती हैं, और इस टीम में वो आपको देखने को मिला होगा पहले टेस्ट मैच के बाद, वो जो बिलीव जो मिसिंग था वो एकदम से बढ़ चढ़ के सामने आया, और मेलबर्न के बाद तो इस पूरे टूर की जो कहते हैं काया ही पलट दी है भारतीय टीम ने। अनबिलीवेबल दे हैव बीन ऑन दिस टूर, बहुत सी इंजरीज हुई और उसके बावजूद भी हर कोई प्लेयर जो है वो डटा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके खेला, और आज जो ये रिजल्ट आए हैं ये दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जिन्होंने क्रिकेट खेली है या नहीं भी खेली है, जो या इस देश में जितने भी लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं,
ये बहुत बड़ा मोमेंट है, ये सेलिब्रेशन वाला मोमेंट है, और मैं जरूर ये मान रहा था कि ये चेजेबल है और इस भारतीय टीम में वो दमखम है कि वो चेज कर सकती है। और अभी भी जब कमेंटेटर्स लास्ट में मैं सुन रहा था कि आई डोंट नो कौन थे, वो कह रहे थे कि किसी ने सोचा नहीं होगा, ये शायद उस दौर के कमेंटेटर्स थे जिन्होंने वो सोचा नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछले 20-25 साल पहले चले जाओ तो वो शायद वो नहीं सोचते होंगे कि पांचवें दिन हमें मैच जीतना है। बट ये भारतीय टीम पिछले कई सालों से ये देखती है कि हमें वो जीतना मैच कैसे है, ड्रॉ पहले बाहर कर दो गेम से, ड्रॉ तो अगर होना होगा वो बाद में देखेंगे, पहले हमने जीतना कैसे। अगर आप जीत की तरफ कदम बढ़ाओगे तो ही पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती हैं। सो दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज न्यू इंडिया एज यू राइटली मेंशन, एंड आई एम सो सो प्राउड ऑफ दीज ऑल दीज बॉयज, यू नो स्पेशली ऋषभ पंत। आई थिंक उनके बारे में डिबेट होती थी क्या उनको खेलना वाजिब है नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ डिबेट जो होते हैं वो अब खत्म हो जाने चाहिए। ही प्लेड इनिंग ऑफ हिज लाइफ, आई फील हम सबको बहुत प्राउड है उनके ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर वाज ब्रिलियंट इन दिस गेम विद द बॉल विद द बैट, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की जो पहली पारी की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक उन्होंने ये हमें मौका दिया इस गेम में वापस आने का कि हम इसका गार पहुंच सके कि आज हम जीते। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। भारत ने जब 36 ऑल आउट हुआ उसके बाद अगला टेस्ट मैच मेलबर्न में जीत लिया, फिर टीम आई सिडनी न्यू ईयर दो ये 2021 में भारत की टीम सिडनी आई, और भारत के जो कोच है आपके फाजिल दोस्त रवि शास्त्री साहब, उन्होंने ये कहा टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने 3 साल पुरानी सीरीज जीत को याद किया और उन्होंने कहा कि जो विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अचीव किया था ऑस्ट्रेलिया में कोई और कप्तान नहीं कर सकता। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये उसी टीम के कोच हैं, हालांकि अजिंक्य रहाणे इसके कप्तान हैं, क्या वो ऐसा कहना चाहिए था? लेकिन आज अजिंक्य रहाणे ने भी अपनी कप्तानी में ये सीरीज जिताई है। देखिए विक्रांत, ये सीरीज विन जो है वो उस सीरीज विन से बड़ी मानूंगा मैं, क्योंकि इस टीम में ना तो खुद विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, आपके फ्रंट लाइन ऑफ स्पिनर आर अश्विन नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो ये टीम आधी टीम है। हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूं, कैसी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, क्योंकि ये भी नई टीम है ऑस्ट्रेलिया की, पर उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी आधी टीम, भारतीय आधी टीम ने इस बड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया है वहां पे, और वो भी युवाओं के साथ। शुभमन गिल, मैं कहूंगा कि अनबिलीवेबल इनिंग उनकी, और साथ ही में ऋषभ पंत जिन्होंने कमाल की इनिंग खेली, पुजारा की वो इनिंग। तो ये कोच साहब ने जो बयान दिया था, मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं से भी वाजिब बयान है, और किस समय पे वो उन्होंने बयान दिया था मैं ये भी नहीं जानता हूं। बर गई इस जीत को मैं जो पिछली बार 2018 में वो जो जीत हुई थी उससे ऊपर देखता हूं, क्योंकि ये दिन माफ करिएगा, क्योंकि ये जो जीत है ये युवाओं की जीत है, ये आगे फ्यूचर की जीत है, ये उस कॉन्फिडेंस की जीत है जिसकी तलाश में भारतीय क्रिकेट टीम जुड़ी हुई थी। और ये जीत ये दिखाएगी आपको भारतीय क्रिकेट टीम का जो ग्राफ है कितना ऊपर जाएगा। अनबिलीवेबल, दिस इज अ ग्रेट ग्रेट मोमेंट, और भारतीय क्रिकेट का आगाज हो गया है ये नए जो अपने 10 साल अगले हम गिन रहे हैं 2021 से 30 तक। अब यही जो युवा हैं जिन्होंने ये मैच जिताए हैं, ये सीरीज जिताई है, ये गेम को आगे लेके बढ़ेंगे। और मेरे मायने में वो रवि शास्त्री जी का बयान जो था वो बिल्कुल वाजिब नहीं था, क्योंकि ये जीत उससे बड़ी जीत है। मदन जी, ऋषभ पंत पर आज डिबेट खत्म होगा, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से बड़ा डिबेट है, कभी टीम कहती है कि ये स्टार है, कभी टीम कहती है फ्लॉप है। उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म था, कई ऐसी चीजें हैं जो शायद हम इस शो में नहीं कह सकते, लेकिन मेरी वक्त वक्त उनसे बात भी होती थी, वो असमंजस की स्थिति में थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उनको बार बार हर फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया था। आज जिस चीज का हवाला देते थे लोग, आप भी देते थे, आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत में अंत में ना सिर्फ खेल बल्कि टेम्परामेंट और जीत का जज्बा ऋषभ पंत ने ही दिखाया।
नहीं देखिए विक्रांत, ऋषभ पंत का विवाद तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाए हैं, उन्होंने इंग्लैंड में भी टेस्ट मैचेस में रन बनाए हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा एक एक्स फैक्टर होंगे इस जीत के। आज ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है, मैंने तो आपसे जब मैं बात कई बार बात भी की है कि मैं इसको एज ए बैट्समैन ही खिला देना चाहिए, क्योंकि ये इतना जबरदस्त बैट्समैन है आपके पास जो कि आपको मैच जिताता है। और जो आज की जीत है, मैंने बड़े हमने मैचेस टेस्ट मैच खेले भी हैं और देखे भी हैं, पर मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया टेस्ट मैच मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि और जो भारतीय ने जीत की है, मैं समझता हूं कि एक हिस्ट्री क्रिएट किया। देखिए जो पहले 2018 में जीत हुई थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट, वो जीत भी बहुत बड़ी जीत थी, पर ये उससे भी बढ़िया इसलिए क्योंकि स्टीव स्मिथ, वार्नर और जितने भी उनके टॉप के बल्लेबाज हैं वो इस टीम में खेल रहे थे। तो भारतीय टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज जीती है बैक टू बैक, मैं समझता हूँ कि ये जितना भी क्रेडिट है जैसे भज्जू ने कहा ये युवा खिलाड़ियों को जाता है। आज युवा खिलाड़ियों ने ये बता दिया कि हाँ हम जीतना जानते हैं, और जितने भी इतने नाम शरदुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, वैष्णव सुंदर, वही तस्वीरें ये सब अब हाउस होल्ड नहीं बन चुके हैं, और ये हाउस होल्ड नहीं बन चुके हैं। मदन जी बड़ी बात ये है ना कि हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि स्टार्स हो हमारे साथ, लेकिन आज शार्दुल ठाकुर हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, हनुमा विहारी हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, कोई भी हो, ये तस्वीरें आपको कभी कभी दिखती हैं, ये तस्वीरें कभी कभी दिखती हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें कभी कभी दिखती हैं, पर यही तस्वीरों का हमें आनंद लेना चाहिए, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ इनका आनंद लेना चाहिए। हिस्ट्री में ऐसी बड़ी जीत बहुत कम देखने को मिलती है। रेसिज्म का सामना करना पड़ा, उनके पिताजी का देहांत हो गया, आज उनकी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट हैं। अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर देखे खुशी, हालांकि रहाणे ने उस 100 के बाद को बहुत बड़ी पारी नहीं खेली भज्जू, लेकिन जो कप्तानी उन्होंने दिखाई है, जो जज्बा, ड्रेसिंग रूम का विश्वास, आपने कहा ड्रेसिंग रूम का विश्वास ऐसे नहीं आ जाता, वो खिलाड़ियों के लेवल पे नहीं आता, वो ऊपर से नीचे आता है। आपको लगता है कि इस ड्रेसिंग रूम में वो 36 ऑल आउट के बाद किसी ने ये विश्वास डाला है खिलाड़ियों में? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने पहले कोच साहब की बात करी थी, कोच साहब ने अगर वो बयान दिया था कि वो जीत सबसे बड़ी जीत थी और उसके जैसी जीत कोई हो नहीं सकती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये जो है वो हौसला अफजाई उतनी नहीं की होगी, बट ये कप्तान ने ही हौसला अफजाई करी होगी और उन्होंने इस चीज को कैसे आगे लेके जाना है टीम से बात करी होगी, और आई एम श्योर टीम के जो लड़के भी थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को उस लिहाज से लिया कि जैसे लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। तो आई एम सो हैप्पी एंड रियली प्राउड कि आज ये जो जीत हुई है इतनी बड़ी जीत है, और ये हम सब की जीत है, और हम सबको इसको उसी लिहाज से सेलिब्रेट करना चाहिए जिस लिहाज से हमने वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये युवाओं की जीत है, ये आगे फ्यूचर की जीत है। इसमें ना विराट कोहली थे, ना मोहम्मद शमी थे, जैसे मैंने कहा बड़े खिलाड़ी नहीं थे, और ये हर खिलाड़ी चोटिल होता था, बहुत से लोगों को ईशांत शर्मा बहुत खिलाड़ी नहीं थे। ऐसी सीरीज जो है वो प्रेरित करती है आने वाले युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए, तो हैट्स ऑफ टू दीज बॉयज, वेरी वेल डन, मेरा सैल्यूट है ऋषभ पंत को, अजिंक्य रहाणे उनकी कप्तानी को, शुभमन गिल सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आई एम सो प्राउड कि जिस लिहाज से ये सीरीज खेली, ये कैरेक्टर दिखाया है कि हमें खेलना आता है, और अगर हम जीतने की एक उम्मीद अपने मन में लगाते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो पोजिशन आपकी कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हों, आप उसको अपनी तरफ खींच लेते हो और उसको कैसे हार को जो कहते हैं जीत में बदल देते हो, तो ये इन्होंने कर दिखाया है। ये विश्वास है, अनबिलीवेबल, ये विश्वास है, और वो जो लोग कहते हैं 2001 के बाद न्यू इंडिया, बिल्कुल 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 नहीं, और देखिए भज्जू आपने 2001 की बात कर दी, लीजिए प्रधानमंत्री साहब ने भी टीम को बधाई दे दी है, और ये जीत ऐसी है ही है, शायद पूरा मुल्क इस वक्त क्रिकेट का मैच देख रहा था, अब आज तक पर हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है इस जीत का, जश्न हमारे साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी अभी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने भारत की टीम को और खिलाड़ियों को जीत की मुबारकबाद दी है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने लिखा क्या है ट्वीट में, उन्होंने कहा कि वी आर ऑल ओवरजॉयड एट द सक्सेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया, देयर रिमार्केबल एनर्जी एंड पैशन वॉज विजिबल थ्रू आउट, सो वॉज देयर stellar intent, remarkable grit, determination, congratulations to the team, best wishes for your future endeavors. और शायद प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि अगर 2021 का आगाज भारत ने
इस तरह से किया क्रिकेट के मैदान में। और कहीं ना कहीं यह भी मानना होगा कि जो क्रिकेट के मैदान की खुशी होती है वो आपकी सोसाइटी में झलकती है, वो दिखती है। शानदार जीत, यादगार जीत, ये वो आखिरी पल जहां पर ऋषभ पंत ने चौका लगाया, 85 रन बनाए बाय द वे। और इस सीरीज में भी पुजारा ने तकरीबन 1000 गेंदे खेली। ये कभी कभी इस तरह के पल आते हैं कि आप ये सोचते हैं यार मैं स्टूडियो में क्यों हूं, मैं मैदान में क्यों नहीं हूं। 2011 के वर्ल्ड कप की बात की हरभजन सिंह ने, 1983 की मदन जी ने भी बात की है, और दोनों क्योंकि उस जीत का हिस्सा थे। आज अगर दोनों ये कह रहे हैं कि जीत उससे कम नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको जीत मिलती है, कप मिलता है, लेकिन उसके अलावा आपको भविष्य भी मिलता है। इस सीरीज में बहुत कुछ मिला है भारत को। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मदन जी शुभमन गिल की क्या बात करें, जो उन्होंने बैटिंग की। आज रोहित शर्मा की बात हो रही थी, रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जो लोग बार बार कहते हैं कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा है, आज बता दिया है कि वो लंबी रेस का अरबी घोड़ा है। बिल्कुल विक्रांत, देखिए लंबी रेस का घोड़ा है, और देखिए जैसे उन्होंने बैटिंग किया, और ऑस्ट्रेलिया का उसका पहला दौरा था, और ऐसी विकेट्स पे वो पहली दफ़ा खेल रहे थे, जो उन्होंने इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग, तो मैं समझता हूँ कि ये दर्शाता है कि ये आने वाला एक फ्यूचर युवा खिलाड़ी हमारे पास है। तो कई बार ऐसा दिखता है कि भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ भी है, जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं। और इसमें मैं जैसे पुजारा की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए उन्होंने बड़े बॉल खाए हैं आज उन्होंने एक ऐसा करेक्टर शो किया, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं तेजस्वी पुजारा को। 10-12 गेंद लगे हैं उनके सिर पे, गेंद लगा उनके चेस्ट पे, गेंद लगा, फिर भी वो वहां पर डटे रहे, क्योंकि एक खिलाड़ी कहीं कोई ना कोई वहां पे टिका रहना चाहिए था। और वो तेजस्वी पुजारा ने बहुत ही अच्छा एक रोल अपनाया है। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी भारतीय टीम की, कि इन्होंने मैच को जो पेसअप किया, अप्रोच किया, वो बड़ा जबरदस्त अप्रोच किया। देखिए उन्होंने पैनिक नहीं किया शुरू में, और आराम से अपनी आराम से बैटिंग करते चले गए, और नॉर्मल उन्होंने बैटिंग की है, जो उनको बॉल मिले मारने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मैंने ऐसा खिलाड़ी को मार खाते हुए और रन बनाते हुए कभी नहीं देखा किसी को भी, जो बड़े 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 खिलाड़ी हुए हैं इंडिया में, बट ऐसा खिलाड़ी मैंने जो वहां टिका रहा, जैसे आपने अभी कहा कि 1000 बॉल खेले हैं, ये ऐसा टेस्ट क्रिकेटर चाहिए। आप जब भी आप वहां पे खड़े रहते हैं तो रन बनेंगे, उसके साथ साथ आप टीम को भी जिताते हैं, तो उनका योगदान भी मैं समझता हूं कि सीरीज में बहुत रहा है। बाकी शार्दुल ठाकुर, जितने भी हमने युवा खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाली जनरेशन जो है ये ऐसा लगता है कि वाकई में आने वाला जो भविष्य हमारे क्रिकेट का वो बहुत ही अच्छा भविष्य है। चलिए चलिए, और देखिए ऐसे चाहिए हमें प्लेयर, और नहीं ये दिलेरी भी है, एक तो खेल होता है, एक दिलेरी होती है, कहां कहां गेंद लगी। अच्छा, उनके जो हाथ में गेंद लगा, उन्होंने फिजियो ने कहा कि आप बाहर जाना चाहते हैं, कहते नहीं यार एक्सरे कराऊंगा, शाम को करा लूंगा, रात को करा लूंगा, मुझे अभी बैटिंग करने दो। मैं थोड़ा सा आपको तर्जुमा दे दूं कि मैच में हुआ क्या क्या। 328 भारत चेज कर रहा था, और सुबह भारत 4-4 लॉस से आया था, लेकिन आते ही रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा ने सिर्फ 7 रन बनाए, और अगर प्रोड्यूसर चाहें तो वो सारे डिसमिसल्स जो मैच के हाइलाइट्स हैं वो भी साथ साथ दिखाते रहे। रोहित शर्मा आउट हो गए, और रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा था भज्जू कि ये तो रन बनाएंगे तो ही इंडिया जीत सकता है, लेकिन उनके साथ पुजारा आए, शुभमन। ये देखिए रोहित शर्मा का विकेट आपकी स्क्रीन पर, और ये ऑस्ट्रेलिया को जो स्टार्ट चाहिए था उससे बेहतर स्टार्ट नहीं हो सकता। उन्होंने रोहित शर्मा को सुबह आउट कर दिया। 98 ओवर का खेल होना था, 324 रन आज चाहिए थे भारत, आते ही रोहित शर्मा 7 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद पुजारा और शुभमन गिल के बीच जो 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई, ना सिर्फ भारत ने विकेटें बचा के रखी बल्कि उसके बाद इन्होंने जिस तरह से अटैक किया, 91 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 91 रन, 100 मिस कर गए, लेकिन उन्होंने 146 गेंदों में ये 91 रन बनाए, यानी कि जो इनिशिएटिव था वो उन्होंने अपने पास किया। उसके बाद रहाणे आए, कप्तान रहाणे ने भी आकर थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने कहा कि नहीं हम जीत के लिए जाएंगे, ये टी से पहले की बात है, हालांकि उसके बाद वो आउट हो गए। 24 रन 22 गेंद में उन्होंने बनाए, 21 गेंद। पुजारा ने लेकिन जो गेंदे खाई, चोट लगी, 56 रन बनाए हैं पुजारा ने 211 गेंदों में, कमाल की बैटिंग की उन्होंने, कमाल की बल्लेबाजी। ऋषभ पंत 89 नॉट आउट है, 138 गेंदों में उन्होंने 9 चौके 1 छक्का मारा, और अंत तक खड़े रहे, जो सवाल उन पर उठाए जाते थे।
मयंक अग्रवाल जरूर आउट हो गए। सेकंड न्यू बॉल जैसे ही आया पुजारा आउट हुए, फिर मयंक अग्रवाल आउट हो गए, वहां पर लगा कि शायद भारत शटर डाउन कर देगा, लेकिन जैसे हरबंस सिंह ने कहा शटर डाउन तो छोड़िए, इन्होंने कहा कि हम जीत के लिए जाएंगे। फिर वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने पहली पारी में वो 62 रन की पारी खेली थी, उन्होंने भी 22 रन बनाए तेज 29 गेंदों में, वो आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए, नवदीप सैनी आए, लेकिन ऋषभ पंत ने भारत को तो एक जबरदस्त जीत है ना सिर्फ इस टेस्ट मैच की बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत के नाम है, और ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार भारत ने उनके मुल्क में जाकर हराया है। और यह जीत इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि गाबा में कभी किसी टीम ने चौथी पारी में ये रन बनाए ही नहीं, 236 बने थे 1951 में, आज देखिए रन कितने बन रहे हैं। तो ये अगर आप एक एक कर इन खिलाड़ियों की बात करें, जज्बा बड़ा जबरदस्त दिखा है, कोई बड़ा स्टार नहीं है, विराट के ना होने से टीम अचानक से अधूरी हो जाती है, आधी अधूरी हो जाती है। 36 ऑल आउट हो गए थे, जडेजा, अश्विन, शमी, उमेश यादव, अब किसी भी खिलाड़ी का नाम लें वो खिलाड़ी था नहीं। आखिरी टेस्ट मैच में हालात ये हो गए थे कि भारत 11 भी खिलाएगा तो कैसे खिलाएगा, लेकिन ये जीत जबरदस्त है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है टीम को, यह कहा है कि आगे बढ़ते चलो, साथ ही साथ बीसीसीआई ने बोनस दिया है इस टीम को 5 करोड़ रुपए का तोहफा। वैसे 5 करोड़ रुपए 130 करोड़ लोगों के लिए ये छाती चौड़ी करने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ करके देखा लेकिन भारत ने मैच दर मैच इतिहास ही रचा है। तो 5 करोड़ बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को बोनस दिया है। देखिए ऋषभ पंत, कभी मोहम्मद सिराज की तस्वीर आती है रोते की, कभी ऋषभ पंत की आती है। चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच में 211 गेंदें खेली हैं, पूरी सीरीज में तकरीबन 1000 गेंदें खेली हैं। चेतेश्वर पुजारा बहुत बड़े हीरो हैं। खैर ऋषभ पंत मैच के हीरो, मैन ऑफ द मोमेंट, वो क्या कहते हैं इस जीत पे वो सुन लेते हैं। आई थिंक दिस इज माई वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ राइट नाउ एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल द सपोर्ट्स आर from the team and all the fans over here supported me a lot even though I was not playing in the starting matches but it's been a dream series I can say that after not playing the first test match I've been practicing hard and everything pays off because we won the series see the team management always backs me and tell me that you are a match winner and you always have to go and win the match for the team that's the only thing I keep on thinking every day that I want to win matches for India and I'm happy that I did it today. Yes, it was a fifth day pitch and a ball was turning a bit and I thought I have to be disciplined with my shot selection and if you won the match, everything pays off well. I think everything went so well for us. So I'm happy now. भजू अब तो ये डिबेट खत्म हो जाएगा ना कि ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अब तो ये डिबेट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट ही डिबेट चलाती रहती है। देखिए डिबेट होनी नहीं चाहिए थी पहले ही क्योंकि इकलौते ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले टूर पे भी वहां पे 100 रन बनाए थे और ऐसा कोई विकेटकीपर भारत का पहले वहां पे जाके जिसने 100 रन बनाए हो उसका मुझे आप नाम बता दीजिए। तो ये डिबेट होने नहीं चाहिए थे बट एनीवेज कुछ चीजें होती हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, उसी चीजों से इंस्पायर होके ऋषभ पंत ने ये जो इनिंग्स खेली हैं आई थिंक एज ही राइटली सेड कि अब तक की उनकी जिंदगी का ये सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट है और मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट है क्योंकि विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया इट्स अ बिग बिग थिंग और विनिंग द वे दे हैव वन दिस इज अनबिलीवेबल और यू नो हैट्स ऑफ टू दीज बॉयज यू नो हाउ दे प्लेड देयर क्रिकेट विदाउट यू नो द बिग नेम्स और ये दर्शाता है कि क्रिकेट किसी के लिए रुकती नहीं है और क्रिकेट आगे चलती रहती है, नए नए लोग आते हैं, नए नए प्लेयर आते हैं, युवा आते हैं, वो फिर ग्रेट्स बन जाते हैं और ये एक मुकाम है जो शुरू हुआ है ऋषभ पंत का, शुभमन गिल का और मोहम्मद सिराज का और ऐसे कई खिलाड़ियों को जो इस टीम में है, शार्दुल ठाकुर का, वॉशिंगटन सुंदर का और मैं कहूँगा कि इन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी और बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। तो ये जो जीत है
ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी ऋषभ पंत के लिए। तो मैं कहूंगा कि ये डिबेट जो है वो खत्म होनी चाहिए, साथ ही साथ दूसरे प्लेयरों के लिए भी खत्म होनी चाहिए। आप बोनस की भी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि 5 करोड़ रुपया बोनस दिया है, जो मुझे लगता है कि हर प्लेयर को भी अगर एक एक दो दो करोड़ बोनस दे देते तो बीसीसीआई का कुछ ज्यादा खास जाता नहीं। बट 5 करोड़ मुझे लगता है इस विन के लिए काफी छोटा अमाउंट है, कम से कम एक एक दो दो करोड़ रुपए हर प्लेयर को मिलना चाहिए था, क्योंकि दिस इज एज बिग एज एनी सीरीज कैन गेट। यू नो, जो सबसे बड़ी सीरीज होती है आप जीतना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, या इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना चाहते हो, तो ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, तो उसके लिए रिवॉर्ड भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सही बात है, ये है ब्रिस्बेन के 5 हीरो। और देखिए वक्त कैसे बदला है कि जब आप 5 हीरो की बात करते हैं तो बहुत कम सितारों की चेहरे यहां पर आपको दिखेंगे। आपको ये 5 तो दिख रहे हैं, लेकिन छठा हीरो सबसे बड़ा वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, हरभजन सिंह जी आप बताइए, अजिंक्य रहाणे के बारे में लोग कह रहे हैं यार इतने शानदार कप्तान है, इतनी दिलेरी से कप्तानी करते हैं, लोग तो ये कहते हैं इनको दे दो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी। मोहम्मद सिराज, ऑल द प्लेयर्स हु प्लेड देयर पार्ट, सो मेनी देम विल रियलाइज एग्जैक्टली व्हाट। देखिए अजिंक्य रहाणे एक बहुत ही बढ़िया कप्तान है, उसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर ठंडे कप्तान है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जगह अब जब आप सीरीज जिताते हो, वो भी ऐसी टीम के साथ, जब आपके पास टीम बिल्कुल आधी अधूरी टीम हो और उसके बावजूद भी आप उस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पे उतरते हो, कैसे टीम को साथ लेके चलते हो, तो ये आई एम श्योर कि जो इनकी बॉन्डिंग है टीम के साथ बहुत बढ़िया होगी। और मैं तो बहुत सालों से इनको जानता हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि ही इज अ गुड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो अच्छे तरह से सुनते हैं सबकी बात, और जो आपको ठीक लगता है वो आपको करने के लिए वो मदद करते हैं। मैं जब कम बैक कर रहा था 2016 में जिम्बाब्वे में गया था, तो अजिंक्य रहाणे पहली बार कप्तान बने थे, तभी भी वो थोड़ा शर्मा के बोल रहे थे, पाजी मैं मुझे अजीब सा लग रहा है आपका कप्तान बन के। मैंने उनको तभी बोला था कि अजिंक्य कप्तान का रोल ये होता है कि सबको जो है वो साथ में जोड़ के खेले, और ये वो बंदा है, ही इज ए नाइस बॉय, गुड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि जिस लिहाज से उन्होंने टीम को लीड किया है। और देखिए ये आज हम खुशी मना रहे हैं इसलिए क्योंकि मेलबर्न में जो उन्होंने इनिंग खेली थी, बिल्कुल वो कप्तानी वाली इनिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू नो, फाइटिंग देयर एंड शोइंग द वर्ल्ड की दिस इज हाउ इट्स डन। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अजिंक्य रहाणे, वेरी वेल डन टू यू, एंड आई होप कि आपको ज्यादा मौके मिले कप्तानी करने के। और एक बात तो देखिए, हमने देखी है, पहले भी मैंने कहा है कि जो क्रिकेट है किसी के लिए रुकती नहीं है, सुनील गावस्कर भी खेल के गए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और अनिल कुंबले, सब बड़े खिलाड़ी खेल के गए हैं, बट ये आज फिर एक बार साबित हो गया है, अगर आपके पास बड़े खिलाड़ी नहीं भी हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है युवाओं के लिए कि अब उनका टाइम आ गया है, जो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो मुझे लगता है ये अब इनका टाइम आ गया है, ऋषभ पंत का, शुभमन गिल का, मोहम्मद सिराज का, शार्दुल ठाकुर का, इनको टीम को आगे लेके जाना है, और क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं, और आज ये प्रूव हो गया है वंस अगेन कि क्रिकेट ही सबसे ऊपर है, और उसके लिए आपको बड़े नाम या छोटे नाम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जाके अपना गेम खेलना है, दिखाना है आप में कितनी काबिलियत है, लोग अपने आप आपको बड़ा बना देते हैं, और इसका श्रेय हमेशा लीडर को जाता है, और इस टीम का जो इस 3 टेस्ट मैचों में लीडर है वो अजिंक्य रहाणे थे। तो रहाणे ने इस जीत के बाद क्या कहा, पहले वो सुन लेते। But I'm really proud of all the boys shown character, attitude, especially after Adelaide Test match. We decided that we are going to fight really hard. We know Australia in Australia. They're a very dangerous team. And we just wanted to give our best, not to think about results. But yeah, as I said, that I don't know how to describe this victory. Really proud, proud of each and every individual. When I went in bat, conversation between me and Pujara was, I mean, Pujji to bat normal, but I wanted to play with an intent, and if we get close to the total, then we know Rishabh and Mayank can actually get the total for us. But I think it was all about intent after lunch. But credit to Pujara, the way he batted on this wicket, he was struggling initially, but the way he handled that was magnificent. But again, Rishabh, Washington Sundar was really good in the end.
अब अगर आप सुबह 5 बजे उठे थे या नहीं उठे थे, दोबारा से देखना चाहते हैं या पहली बार देखना चाहते हैं पूरे मैच की हाइलाइट्स, तो उस पर नजर डालिए फटाफट कैसे हर सेशन में भारत ने जीत की तरफ कदम बढ़ाया। सबसे यादगार तो ये लम्हा है, ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, खिलाड़ी भावुक, ऋषभ पंत हंस रहे, रो रहे हैं, किसी को नहीं पता। मोहम्मद सिराज भी नेशनल एंथम गाते हुए रो पड़ते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये तिरंगा जिस तरह से गाबा में घूम रहा है या पिछले 2.5 महीने में ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की गूंज रही है, ये दिखाता है कि आने वाला दशक भारत का होगा। ये लीजिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शेयर नहीं होगी, कोविड यू हैव बीन बीटन, ये भारत के पास रहेगी विजेता के तौर पर। यू विल सी इन लाइफ, यू कैन नॉट स्टॉप स्पोर्ट, यू कुड नॉट हैव सीन एनीथिंग बेटर देन दिस। जिस खिलाड़ी के हाथ में थी और वो बाकी खिलाड़ी को दे रहे हैं, एक एक कर देखिए, टू टीम्स के युवा खिलाड़ी तस्वीर के साथ ट्रॉफी में नजर आ। यू वेंट टू द ऑपोजिशन एंड सेड वेल प्लेड 100, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। ये सिर्फ देयर विल बी यंग, ये टीम कर सकती है स्टार्स टुडे, ऋषभ पंत। चले क्रिकेट की कवरेज में फिलहाल इतना ही, शाम 7:30 बजे हमारे साथ ना सिर्फ हरभजन सिंह मदनलाल बल्कि सुनील गावस्कर भी रहेंगे, जिन्होंने अपने हाथ से ये ट्रॉफी दी है रहाणे को। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आ जाइए, सीधा अब वहीं पर लाइव कवरेज करते हैं। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी साहब की चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।